स्टूडेंट, मैं प्रीति, आप लोगों की हिंदी की टीचर। आज मैं आप लोगों को कक्षा दो पाठ दो का भालू ने खेली फुटबॉल की कठिन शब्द बताने जा रही हूँ। तो इसमें सबसे पहला है सुबह। सुबह यानी प्रातःकाल। सुबह यानी प्रातःकाल। बच्चों, जब आप सुबह उठते हैं तो अपने माँ पापा, भाई बहन या दोस्तों से गुड मॉर्निंग कहते हैं। तो जैसे आप इंग्लिश में गुड मॉर्निंग कहते हैं, वैसे ही हिंदी में क्या कहा जाता है? सुबह प्रातः काल। क्या दूसरा है आपका मौसम। मौसम यानी ऋतु। देखो, वैसे तो ऋतु 6 प्रकार की होती है, लेकिन भारत में सामान्यतः ऋतु 3 प्रकार की होती है। भारत में कितने प्रकार की ऋतु होती है? 3 प्रकार की। वो कौन कौन? तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और हेमंत ऋतु। कितनी ऋतु होती है भारत में? मुख्यतः 3, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और हेमंत ऋतु। ठीक है। और तीसरा है आपका वक्त यानी समय। हम कोई भी काम समय के अनुसार करते हैं। देखिए, अगर आपकी माँ सुबह सुबह उठाती है तो क्या कहती है? उठो, 6 बज गया। अगर आपको 8 बजे स्कूल जाना है तो आप 8 बजे तक स्कूल पहुँच जाते हैं। तो आप कोई भी काम समय के साथ करते हैं। ठीक है। फिर है सैर करना यानी कि घूमना। ठीक है। अधिकतर लोग सुबह सुबह सैर के लिए निकलते हैं। सुबह सुबह सैर करने से क्या होता है कि जो हमारा शरीर होता है वह स्वस्थ रहता है और हमारा मन भी खुश मिजाज रहता है। सुबह सुबह सैर पर निकलने से हमारे शरीर को अच्छा लगता है। देखिए, सुबह सुबह जो हवा चलती है एकदम ताज़ी हवा चलती है, और सुबह सुबह जो ताज़ी हवा चलती है तो उस समय हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। फिर है अकल। अकल मीन्स बुद्धि। ठीक है। देखिए, किसी भी काम करने के लिए हमें बुद्धि लगानी पड़ती है। ठीक है। सिमट कर यानी सिकुड़ना। जैसे कि बच्चों, आपने छुई मुई का पौधा का नाम सुना होगा। देखिए, जैसे ही हम छुई मुई के पौधों को छूते हैं या आप उसे कहिए टच करते हैं, तो वो क्या होता है? सिकुड़ जाता है। वो जो छुई मुई का पौधा होता है, इसीलिए उसे छुई मुई भी कहा जाता है, क्योंकि आप जैसे ही उसको आप टच कीजिएगा वो क्या होता है? सिकुड़ जाता है। ठीक है। फिर देखिए कोहरा। कोहरा यानी ओस। ठीक है। सर्दियों के मौसम में जब आप बाहर निकलते हैं, या छत पर ही जाते हैं, तो चारों तरफ आपे क्या दिखता है? कोहरा ही कोहरा यानी कि ओस। देखिए, ये कब देखने को मिलता है ओस? ठंडियों के मौसम में। चारों तरफ जो सफ़ेद सफ़ेद दिखते हैं वो क्या होता है? वो कोहरा होता है, जिसे आप अधिकतर बोलते कोहरा जल्दी नहीं बोलते, ओस बोलते हैं। ठीक है। तो कोहरा मीन्स ओस। फिर है हासिल करना। ठीक है। हासिल करना मीन्स पाना। ठीक है। देखिए, जैसे कि आपका लक्ष्य है डॉक्टर बनना, अगर आप डॉक्टर बन गए, आप अपने लक्ष्य को हासिल कर ले यानी कि पा लिया। ठीक है। फिर आपका अगला है आओ देखा ना ताओ। ठीक है। देखिए, ये एक मुहावरा भी है, आओ देखा ना ताओ, बिना सोचे समझे। देखिए, उदाहरण के लिए कि आपसे कोई कहा कि ये काम तुम कर दो, और आप उस समय बिना सोचे समझे, बिना सोचे कि ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये काम सही है या नहीं है, और आप जाकर उस काम को कर देते हैं, तो आप क्या करते हैं? बिना सोचे समझे। तो आपको कहा जाता है कि आओ देखा ना ताओ, और तुमने ये काम कर दिया। ठीक है। फिर है मामला
यानी समस्या। ठीक है, देखिए अभी जो ये कोरोना की बीमारी चली है, ठीक है, तो ये क्या है, एक गंभीर मामला हो गया, एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दहाड़ना। ठीक है, शेर का गरजना या चिल्लाना। बच्चों आपने चिड़ियाघर में शेर को देखा होगा, और शेर अपने पिंजरे में क्या करता है, गरजता है या चिल्लाता है, तो हम उसे शेर का दहाड़ना भी कहते हैं। शेर जब चिल्लाता है या गरजता है तो यानी शेर पिंजरे में रहता है लेकिन चिल्लाता है, तो दहाड़ना का अर्थ वो भी होता है शेर का गरजना। अगला है आपका आफत। आफत यानी मुसीबत या कठिनाई। देखिए जैसे कि अचानक आप घर से बाहर हैं और अचानक तूफान आ गया, तो आप उस समय क्या बोलते हैं कि मैं किस आफत में आ फंसा, यानी कि किस मुसीबत में मैं फंस गया, बारिश होने लगी और तूफान भी आ गया। अगला है आपका माली यानी बागवानी करने वाला। ठीक है, जो हमारे बगीचों की देखरेख करता है, जो हमारे बगीचों की सुंदरता को बढ़ाता है, छोटे छोटे पौधों की देखरेख करता है, फूलों की देखरेख करता है, हम उसे क्या कहते हैं, माली। यानी कि माली जो बागवानी करने वाला व्यक्ति होता है उसे हम माली कहते हैं। आपका अगला है हर्जाना। ठीक है, यानी कि क्षतिपूर्ति या मुआवजा। देखिए जैसे कि आप किसी दुकान पे गए, आपको एक कप प्लेट खरीदना है। ठीक है, आपने कप प्लेट देखा हाथ में लेके और अचानक से वो कप प्लेट नीचे गिर गई और टूट गई, तो उस समय जो दुकानदार होता है वो क्या बोलेगा आपसे कि इसका क्षतिपूर्ति करो, यानी कि इसका हर्जाना भरो, क्योंकि आपने जो था गलती से कप प्लेट तोड़ दिया था तो उसका नुकसान हो गया था, तो उस नुकसान को भरने के लिए यानी कि उस क्षतिपूर्ति को भरने के लिए वो आपसे कहता है। ठीक है, फिर है गोल मटोल, गोल सा हो जाना। ठीक है, देखिए कोई जैसे कि कोई बस कोई जानवर है, अगर उसे उसे गोल मटोल होने का मन कर रहा है, अब वो क्या करता है, अपने आप को गोल सा हो जाता है। फिर है आपका 9-2-11 होना। ठीक है, देखिए यह एक मुहावरा है, 9-2-11 होना, जिसका अर्थ होता है भाग जाना। इस मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। देखिए जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि एक शेर का बच्चा 9-2-11 हो गया। ठीक है, तो यानी कि एक शेर का बच्चा भाग गया, इसका हम इस मुहावरे का प्रयोग हम वाक्य बनाने में भी करते हैं। ठीक है, फिर आपका अगला है जान बची तो लाखों पाए। मुसीबत से किसी तरह बचकर निकल जाना, इसका जान बची तो लाखों पाए का अर्थ है मुसीबत से किसी तरह बचकर निकल जाना। देखिए ये भी एक मुहावरा है। ठीक है, तो आपने इस कहानी में भालू ने खेली फुटबॉल में 3 मुहावरे सीखे। ठीक है, वो मुहावरे कौन कौन आपने सीखा, देखिए पहला जो है आपका आओ देखा ना ताओ, दूसरा है आपका 9-2-11 होना, और तीसरा है आपका जान बची तो लाख हो पाए। ठीक है, बच्चों अब इन कठिन शब्दों को याद करके अपने कॉपी में लिखो। आपका आज का गृह कार्य है इन कठिन शब्दों को याद करके अपनी कॉपी में लिखना है।